विपरजॉय की तबाही से पहले अलर्ट पर सरकार, 37,000 लोग शिफ्ट, 5 की मौत और 15 ट्रेनें कैंसिल, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी है खतरा। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। इस वक्त विपरजॉय तूफान अपने कह सकते हैं इस चरम पर पहुंचने वाला है। इस वक्त हवाएं हैं जो 125 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, साथ साथ ये हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती हैं। इस वक्त के हालात बहुत ही खराब हो चुके, खास करके ये हवाएं कच्छ और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में और तेज हो सकती हैं। इस वक्त 37,000 लोगों को गुजरात सरकार ने शेल्टर होम भेज दिए हैं। जो तटीय इलाके में थे, अस्थायी निवास में रह रहे थे, उन सभी लोगों को वहां से निकालकर मैदानी और सुरक्षित स्थान में लगातार भेजा जा रहा है। सरकार हर मोर्चे पे अपने आप को मुस्तैद रख रही है। आपको बता दें कि इस वक्त 37,000 लोग शेल्टर होम में जा चुके, वहीं अलग अलग जिलों से अभी भी लोगों को बुलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं, लगातार मौसम विभाग इस पर अलर्ट दे रहा है, जानकारी दे रहा है कि हवा का रुख कितना है, किधर जा रहा है। साथ साथ रेलवे, इंडियन रेलवे भी इस पर नज़र बनाए हुए, 95 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। साथ साथ स्टैंड बाय पर भी कई सारी ट्रेनें रखी गई हैं, अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है या फिर ज़रूरत पड़ती है तो पैसेंजर ट्रेनों को वहाँ पर भेजा जा सकता है। जैसे जैसे गुजरात में व्यापक तूफान अंदर आता जा रहा है, विनाश भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया है, थोड़ी सी बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। वहीं तेज हवा के चलते हर जगह पेड़ टूट कर गिर रहे हैं, बिजली के खंभे गिर रहे हैं, इससे भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें इस वक्त 5 लोगों की मौत हो चुकी है गुजरात में। ये लोग जो कच्छ का एरिया था या सौराष्ट्र का एरिया था, वहां पर मौजूद थे और वहीं पर बारिश की वजह से, तूफान की वजह से इनकी जान जा चुकी है। लेकिन सरकार इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को शेल्टर होम भेज रही है, तटीय इलाकों से लोगों को निकालकर मैदानी इलाकों में लाया जा रहा है। राज्य के राहत आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने बताया कि विस्थापियों में से अधिकांश कच्छ से हैं, उनकी संख्या है 14,088। इसके अलावा देवभूमि द्वारका से 5,000 लोगों को लाया गया है, राजकोट से 4,000, मोरबी से 2,000 और जामनगर से 1,500 लोगों को विस्थापित किया गया है। आपको बता दें इनमें से 284 गर्भवती महिलाएं हैं। और साथ साथ कच्छ प्रशासन तमाम स्थितियों को देखते हुए जो भी समुद्र तट से 5 से 10 किलोमीटर में गांव है, वहां से लोगों को लगातार विस्थापित कर रहा है, उन लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जा रहा है। वहीं IMD ने, यानी कहे भारतीय मौसम विभाग ने भी इस बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। IMD ने कहा कि ये ज्वार की लहरें जो हैं वो 6 से 7 मीटर की हो सकती हैं और जो कच्छ का निचला इलाका है वहां पर बाढ़ और तबाही ला सकती हैं। और आपको बता दें हवा की भी रफ्तार 150 किलोमीटर तक हो सकती है, इसलिए इससे सावधान रहने के लिए लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप जो तटीय इलाका वहां छोड़कर मैदानी इलाकों में जो शेल्टर होम बने हैं वहां जाइए, अपने आप की अपनी जान और माल की सुरक्षा कीजिए। तो लगातार गुजरात प्रशासन, गुजरात सरकार पर नजर बनाए हुए, साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगे मेरी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube में सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।